नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, संस्कृत का जो क्वेश्चन एनालिसिस करना है, पार्ट वन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिलेबस लिखा गया है, इसी सिलेबस के हिसाब से एक एक चैप्टर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। हम बता दे रहे हैं, पर्यायवाची शब्द का नहीं करेंगे, विलोम का नहीं करेंगे, अलंकार का नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा लगभग लगभग हर पार्ट से रहेगा और संस्कृत साहित्य का एकदम बेहतरीन होगा, ठीक है। जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में शुरू होगा। जैसे पहला देखिए, संस्कृत व्याकरण, ठीक है, प्रत्याहार से शुरू करते हैं। अब देखिए, अष्टाध्यायी पाणिनि में कुल सूत्रों की संख्या है तो 3996, यानी 4000 में चार कम क्या है, सूत्र हैं। और अगर पाठ पूछेगा तो अध्याय पूछेगा तो अध्याय कितने हैं, 8 अध्याय हैं। समझ में आया नहीं, ठीक है। अगर अध्याय पूछेगा तो 8 और सूत्र पूछेगा तो 4000 में चार कम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराचार्य हैं। कौन? वरदराचार्य हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है, वंदना किसकी की गई है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में सरस्वती जी की वंदना की गई है और उस वंदना का प्रकार क्या है, नमस्काराम तम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगवान शंकर के डमरू बजाने से जो स्वर व व्यंजन निकले थे उनसे किस सूत्र का निर्माण हुआ है। तो आपका जवाब होगा माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है कितनी है, 14 है। और माहेश्वर सूत्र जो है उसको भी सूत्रबद्ध, माहेश्वर सूत्र किसने रचना की, माहेश्वर सूत्र की, तो महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना किए हैं वही माहेश्वर सूत्र की भी रचना किए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो उपदेश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, तो इसे उपदेश सूत्र और प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हलंत वर्णों में इत वर्ण की इति होती है। तो जो हलंत वर्ण होते हैं उसमें इत वर्ण जो होते हैं उसकी इति क्या होती है, संज्ञा होती है। तो आपका जवाब क्या होगा, संज्ञा होती है। अब देखिए, किस शब्दों की इत वर्ण की इति संज्ञा होती है। तो आपका जवाब क्या होगा, हलंत वर्णों की इत वर्ण की इति क्या होती है, संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्याहारों की संख्या बताइए। तो आपका जवाब क्या होगा, प्रत्याहारों की संख्या 42 है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले पूरे का पूरा माहेश्वर सूत्र याद रहना चाहिए और फट से जाके वहाँ पे माहेश्वर सूत्र क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो देखिए हम आपको याद करवा देते हैं माहेश्वर सूत्र। पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि परीक्षा में एग्जाम शुरू होने से पहले आप प्रत्याहारों यानी माहेश्वर सूत्र को तुरंत लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 चार जो है पहले से चौथा तक जो सूत्र है इसमें है स्वर, ठीक है। उसके बाद पाँचवें से जो है आपका व्यंजन शुरू होता है। तो 1 से 4 तक पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो बड़ा आया दीर्घा होता है ये नहीं होता है। तो पहले से चौथे तक याद करने की टेक्निक हम बता रहे हैं कि सबसे पहले देखिए आपको अ ई ऊ याद रहेगा, अ ई ऊ याद रहेगा। उसके बाद देखिए री और ली, री और ली याद करना है। दूसरे वाले में री और ली है तो अ ई ऊड री री क, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरे वाले में ए है और चौथे में आय है और पाँचवें वाले में ओ है और छठवें वाले में औच है। फिर अ आते ही आपको च याद आना चाहिए, औच। अब देखिए पहले वर्ग का अंतिम जो है अंगा है और दूसरे वर्ग का अंतिम क्या है, च है। तो इसमें अंगा हो जाएगा, इसमें च। और पहले वाले में अ ई ऊड
दूसरे वाले में री ली क, तीसरे वाले में ए ऐ ओ औ, फिर अंगा च। ठीक, तो यहाँ तक आपको चारों याद हो गया होगा, स्वर हो गया। ठीक, उसके बाद पांचवा आपको हमेशा याद रखे रहेगा, हय वरट, हय वरट। ठीक, और छठवां भी सिक्सर, सिक्सर मतलब लड़। ठीक, ये भी आपको याद रहेगा छठवां भी। उसके बाद सातवां जो है पंचमाक्षर है, सातवां आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि क्या है, पंचमाक्षर है। तो देखिए आपको याद रहना चाहिए ईया ईया, म म, ग ग, रम रनम, इम गणनम इम गणनम। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं एम गणनम। तो अंगा और अड़ा और नम। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, अंगा आता है पहले नंबर पे, ठीक, पहले वाला यहाँ इया आता है दूसरे नंबर पे। ठीक, उसके बाद देखिए अड़ा और ना और मा, ये तीसरे चौथे पाँचवे पाता है, तीसरा वर्ग चौथा वर्ग पाँचवा वर्ग। तो ये पीछे का तीन जो है अंतिम में आप माँ लिख दीजिए, सतम पंचमाक्षर है ना, उसके बाद उसके पहले वाले में ना लिख दीजिए, उसके पहले वाले में अड़ा लिख दीजिए, तीनों लाइन से आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देखिए पहला वाला जो होता है यहाँ पे आ जाता है, और जो दूसरा मतलब दूसरे का अंतिम यहाँ पर आ जाता है, और माँ फिर यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से आप याद करेंगे कि पहले यहाँ पर माँ लिखेंगे, फिर ना, फिर अड़ा, फिर पहला वाला यहाँ और दूसरा वाला यहाँ, और दोनों के बीच में फिर क्या आ जाएगा, माँ आ जाएगा। तो इयम गणनम हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है, तो देखिए आ खोजेंगे जिस पे हलंत ना हो, और का पे हलंत है तो का हलंत वाला खोजेंगे इस पे, और यहाँ से यहाँ तक के सभी वर्डों को हम ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के सभी वर्डों को ले लेंगे, हलंत वाले को छोड़ देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, और री आएगा, और री आएगा। अब देखिए आ है कि नहीं, है, ई है कि नहीं, है, ऊ है कि नहीं, ऊ है, ए नहीं है। तो यही आपका डी ऑप्शन सही होगा कि अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अच प्रत्याहार में होते हैं सभी स्वर, सभी व्यंजन, सभी संधि या का। तो देखिए अच प्रत्याहार को ही स्वर कहा जाता है, तो सभी स्वर जो नौ हैं वो अच प्रत्याहार में आते हैं। अब देखिए स्वर को अच कहते हैं तथा व्यंजन को हल, तो हल प्रत्याहार अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा व्यंजन। ठीक है, अब देखिए अच प्रत्याहार के लिए अ ई उड़ री री क, ए ओ ए ऐ ओ औ, और यहाँ पे पहले का अंतिम अंगा, यहाँ पे दूसरे का अंतिम चा, हो गया कि नहीं। अब देखिए अच कहा है तो आ यहाँ पे, चा हलंत वाला यहाँ पे, तो यहाँ से आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ मिल जाएंगे, और यहाँ पे हलंत वाला क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब देखिए अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं है, तो अच प्रत्याहार आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, या आप अपने दिमाग से ये भी लगा सकते हैं कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर हैं, तो जो स्वर नहीं होगा वही आंसर होगा। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो सभी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की का समूह है, तो इक प्रत्याहार में ये जान लीजिए आप कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए पहला जो है अ ई उड़, दूसरा है री री क, तीसरा है ए ऐ ओ औ, फिर यहाँ पे पहले का अंतिम अंगा, यहाँ पे दूसरे का अंतिम चा आ जाएगा, दूसरे का पहला चा आ जाएगा, औच औच औच। ठीक, अब समझिए एक प्रत्याहार का है, ई जिस पे हलंत ना हो यहाँ पे है, का जिस पे हलंत हो यहाँ पे है, तो ई के बाद देखिए ई है, ऊ है, अड़ा छोड़ देंगे, री है और री है, इतना आ रहा है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में खोजिए ई ऊ री री किस में है, दूसरे में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एक प्रत्याहार में आने वाले वर्डों का समूह ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद वैसे ही देखिए एंग प्रत्याहार में वर्डों की संख्या होती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अ ई उड़ री री क, ए ऐ ओ औ, अंगा और औच। ठीक,
अब यहाँ पे एंग पूछ रहा है, ए यहाँ पे है और अंगा यहाँ पे है, तो इसमें केवल ए और ओ आएगा, दो वर्ड आएंगे ए और ओ। तो एंग प्रत्याहार में वर्डों की संख्या क्या हो जाएगी, दो। अब देखिए चर प्रत्याहार में कौन वर्ड आता है, तो आपको चर प्रत्याहार पूछा है, चर प्रत्याहार पूछा है, तो देखिए च आपको खोजना होगा और र खोजना होगा। तो इसमें देखिए 8, 9, 10 को पहले हम लोग याद कर लेते हैं, 8, 9, 10 को जब याद करेंगे तो याद 8 जो है 8 बड़ा झंझट वाला है, देखिए बहुत बार मोड़ना पड़ता है। तो झ भ इया जो है कौन है, आठवां है, झ भ इया, बहुत टिटिम्मा वाला काम ए भी है और बहुत टिटिम्मा वाला काम ए भी है, बहुत टिटिम्मा वाला काम ए भी है झ भ इया। उसके बाद देखिए नौवां नंबर जो है, नौवां नंबर क्या है, नौवां नंबर है नव घर धस, तो नव घट धस, मूर्धन्य सा रहेगा इसमें, नव घट धस, तो घड़ घास घ और से ढकली वाला, ढकली वाला, तो घड़ धस, आपको याद है हो जाना चाहिए। और दसवां वाला है 10 आएगा इसमें अंतिम में, और जब आएगा जब 10, और यहाँ पे देखिए गण आ रहा है, तो इसमें एक मात्रा और बढ़ा के आप याद कर लीजिए, भाई साहब याद करना है आपको, जब 10 आए तो मान लीजिए गाढ़, ठीक है, तो जब 10 गाढ़, तो ये आपका हो जाएगा जब गढ़ 10, कौन से नंबर का, 10वें नंबर का, तो 8वां आपको याद हो जाना चाहिए, 8वें में बड़ा झंझट है, तो झ आएगा झ भ इया, और नव घट ढ ध और मूर्धन्य स, और अंतिम में हलंत रहेगा ही, और जब 10 आए तो मान लीजिए जब 10 गांठ, ठीक। उसके बाद देखिए 11 नंबर कैसे याद करेंगे, रेलगाड़ी की आवाज़, ऐसे रेलगाड़ी बनती है ना, रेलगाड़ी की आवाज़, रेलगाड़ी की आवाज़ पे आपको याद करना है, पहला है खप, तो खप 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 चलती है कि नहीं रेलगाड़ी, खप 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 छट 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 छट, तो खप याद करना है, फिर रेलगाड़ी से हम लोग छठ पूजा देखने जाते हैं, तो खप छट खप छट खप छट। उसके बाद यहाँ पे याद करना है चटतव, ठ और थ, आपको एक चीज़ यहाँ पे ठ और थ बीच में लाना होगा चाहे जहाँ से, तो खप 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 चलता है रेलगाड़ी, और छठ के पूजा में हम लोग पूजा करने जाते हैं, खप खपा के रेलगाड़ी से छठ के पूजा में जाते हैं। और चटतव, चटतव मतलब क्या है, चटनी बनती है, तो चटतव मतलब खप छठ चटतव याद हो जाएगा। और ठा से ठठेरा, था से थन, ठीक, ठा से ठठेरा, अब जैसे ट ठ ड ड ध और त थ, तो यही जो ठा है और था है इस तरीके से है, यही यहाँ पे ले जाके लिख देना है, मतलब ट वाले एक दूसरा और ता वाले एक दूसरा ले जाके यहीं लिख देना है, तो ये ग्रामा याद हो जाएगा। खप खपा गाड़ी चलती है छठ के पूजा में जाने के लिए, और ट ठ और त थ, तो ई ठा और त लिख के चटतव लिख देंगे, ठीक। और 12 कपय, दर्जनों कपय, कपय मतलब क प और य, कपय। और 13 वाले में देखिए 13 में 3 बार सा आएगा, सबसे पहले बड़ा सा आता है, उसके बाद मूर्धन्य सा, उसके बाद छोटा सा, तो सा सा सा, और उसके बाद रा हलंत भी इसी में रहेगा, क्योंकि सा देखिए इस तरीके से बनता है, तो रा भी इस तरीके से बनता है, तो सा 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 रा आ जाएगा, और 14वें में हल हो जाएगा। अब जो है प्रत्याहार भूलना नहीं चाहिए, नहीं दिमाग वह ख़राब होगा, देख लीजिएगा, यही एक दिक्कत है, खप खपा के जाएगा छठ के पूजा में, और ट ठ और त थ ये वाला यहाँ डाल देंगे और चटत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको साकाल वाले में र याद रखना है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, चर प्रत्याहार में कौन सा वर्ड आता है, तो आप तुरंत देखिए च यहाँ पे आया है और र यहाँ पे है, और कौन वर्ड आएगा, देखिए च आएगा
पिट्टा आएगा, पिट्टा आएगा, फिर क प आएगा, फिर स स स आएगा, यही वर्ड आते हैं। तो इसमें से देखिए आ नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। और आपको च अगर पकड़ा गया कि ग्यारहवें नंबर में है तो स्वर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, और तीनों दिया है स्वर और चौथा दिया है स, तो ये चौथा आएगा। अगर सब वो व्यंजन व्यंजन देता तो कोई बात भी होता, लेकिन चौथा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए हल प्रत्याहार में आते हैं, तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 34 या 33 कुछ भी लेख। अब देखिए एक चीज़ और है, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, सभी क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं, और हल व्यंजन अगर पूछेगा, व्यंजन की संख्या पूछेगा तो 33 है। अगर व्यंजनों की संख्या आपसे पूछ लिया तो उसका जवाब 33 होगा, और अगर आपसे पूछ लिया कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं तो 34 होगा इसका। हल प्रत्याहार में 34 वर्ड आते हैं जबकि व्यंजन की संख्या 33 है। ठीक है, उसके बाद देखिए अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार में सभी स्वर और सभी व्यंजन दोनों आते हैं। अल प्रत्याहार में आ से लेकर ला, आ से देखिए अ ई ऊ ड से शुरू है और ह ल तक जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो सभी स्वर व्यंजन सब कुछ उसी में आ जाएगा। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। अब देखिए प्रत्याहार बनाते समय किन वर्डों का लोप हो जाता है, तो देखिए हलंत वर्ड का प्रत्याहार बनाते समय लोप हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि महेश्वर सूत्र का 11वां सूत्र कौन सा है, तो रेलगाड़ी वाला है। अभी हमने बताया कि रेलगाड़ी जो है खप 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 चलती है, और उस पर हम लोग छठ पूजा मनाने के लिए जाते हैं। उसके बाद हमने बताया कि ट ठा आपको लिखना है, क्या लिखना है, ट था लिखना है, और उसके बाद त था लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे ठ और ठ मतलब छठ, यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ी हो गई है, था साला दो बार लिख दिया गया, यहाँ पे ठ लिखना ही नहीं। खप खपा के चलती है और छठ पूजा देखने हम लोग जाते हैं, उसके बाद केवल हमको ता नहीं था लिखना है, केवल था, तो था लिख देना है, उसके बाद चटत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखिए सूत्र पूछ लिया है कि क्या नाम है, महेश्वर सूत्र का 11वां सूत्र बताइए। तो देखिए रेलगाड़ी खप खपा के चलती है, छठ पूजा देखने जाती है, क्या देखने जाती है, छठ पूजा देखने जाती है। अब यहाँ पे दो बार देखिए चा लिख के गलत किए हैं, तो थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं, तो था था मतलब था यहाँ पे लिख देना, ता था यहाँ पे लिख देना, उसके बाद चट तो याद रहेगा, तो खप याद रहेगा, छठ याद रहेगा, था डाल देना है, चट तो याद रहेगा। महेश्वर सूत्र का 13वां सूत्र अगर पूछ लेगा तो 13वां सूत्र में देखिए तीन सा 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 आएगा और लास्ट में र आ जाएगा, तो यही 13वां सूत्र है। अगर आपसे पूछ लिया कि सर प्रत्याहार में महेश्वर सूत्र हैं, सर प्रत्याहार है महेश्वर सूत्र का, ठीक है, सर प्रत्याहार है महेश्वर सूत्र का 13वां सूत्र, तो सर प्रत्याहार में देखिए स और मूर्धन्य सा छोटा सा और र आता है, तो सर प्रत्याहार में महेश्वर सूत्र का 13वां सूत्र है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदि वर्ड या प्रारंभ के वर्ड के साथ मध्य तथा अंतिम वर्ड सहित वर्ण समूह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। देखिए प्रत्याहार में आदि वर्ण मतलब शुरू का वर्ण लेते हैं, और के साथ मध्य का भी वर्ण लेते हैं, और अंतिम वर्ण लेते हैं। ठीक है, शुरू का जैसे हल प्रत्याहार अच प्रत्याहार लिखाना है तो आ भी लेंगे, ठीक, उसके बाद सब मध्य का वर्ण भी लेंगे, ठीक है, हलंत वाला छोड़ के उसके बाद अंतिम वर्ड भी लेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में आपको प्रत्याहार ही तो मिलता है, तो प्रत्याहार इसका सही होगा, और प्रत्याहार में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।